18वीं सदी में लूटी गई टीपू सुल्तान की तलवार लंदन में बिक गई है। 23 मई को बोनहैम्स नीलामी की तरफ से इस तलवार को बेचा गया है। दिलचस्प बात यह है कि जो कीमत इसके लिए तय की गई थी, खरीदने वाले ने उससे 7 गुनी ज्यादा कीमत अदा की है। यह तलवार लंदन में 140 करोड़ में नीलाम हुई। ऑक्शन हाउस बोनहैम्स की तरफ से कहा गया है कि यह एक इस्लामिक और भारतीय वस्तु के लिए नीलामी में रिकॉर्ड है। बता दें कि जो तलवार बिकी है उसे सन 1799 में ब्रिटिश सैनिक लूट कर ले गए थे। 1 मीटर लंबी तलवार पर सोने की लिखावट है। टीपू सुल्तान, जिन्हें मैसूर के टाइगर के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने इस तलवार से ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी थी। इस तलवार को मुगल तलवारबाजों ने तैयार किया था। इसे सोने की तलवार के नाम से भी जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब टीपू सुल्तान की सेना को हराया था तो उनके श्रीरंगपट्टनम वाले महल से इस तलवार को लूट लिया था। वहीं इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी। तलवार को विजय ब्रिटिश सेना के मेजर जनरल डेविड बेयर्स को एक विनिंग ट्रॉफी के तौर पर तोहफे में दिया गया था। यह तलवार ब्रिटिश सैनिकों के साहस और युद्ध में उनके आचरण के सम्मान के प्रतीक के तौर पर थी। मेजर जनरल डेविड बेयर्ड ने ही सेना को उस युद्ध का ऑर्डर दिया था जिसमें उन्होंने टीपू सुल्तान के महल पर हमला बोला था। बोनहैम्स इस्लामिक और भारतीय कला के प्रमुख नीमा सागरची ने कहा है कि इस तलवार का एक असाधारण इतिहास है। इसकी एक आश्चर्यजनक शुरुआत और बेजोड़ शिल्प है। साल 2003 तक यह तलवार बेयर्ड परिवार के पास ही थी। इसके बाद इसे लंदन में डिक्स नूनन वेब में 1.5 लाख पाउंड में नीलाम किया गया था। साल 2004 में विजय माल्या ने इसे खरीदा था और उस समय उन्होंने करीब 1.5 करोड़ रुपए अदा किए थे, मगर साल 2016 में उन्होंने इस तलवार को वापस कर दिया। उनका कहना था कि तलवार की वजह से उनका खराब समय शुरू हुआ था। उनकी माने तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि कमरे में फोन पर 2 लोगों ने इसके लिए बोली लगाई और कहीं और से बोली लगाने वाले के बीच इतनी गर्मजोशी से मुकाबला हुआ। हालांकि बोनहैम्स ने विजेता बोली लगाने वाले के बारे में कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।